जी हाँ साथियों, अब 2 ईयर बीएड वाले टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यदि आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी वो तय कर दी गई है, यानी कि जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से काफी सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो 2 ईयर बीएड वालों के लिए बड़ा झटका है। तो अब ऐसे में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होगी और 2 ईयर बीएड वालों का क्या होगा, यानी कि जिन्होंने 2 ईयर का बीएड किया है या 2 ईयर का बीएड कर रहे हैं, तो उनके लिए अब क्या रास्ता है, वो किस तरीके से टीचर बन सकेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाते रहता हूं। तो साथियों, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो इसी तरीके से जो शिक्षा में भी काफी सारे परिवर्तन किए गए हैं, टीचिंग लाइन में यदि आपको जाना है तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तय की गई है। यदि आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का टीचर बनना है तो उसके लिए अब आपको मिनिमम 4 ईयर का बीएड करना होगा, यानी कि 2030 के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आपने मिनिमम 4 ईयर का बीएड किया हुआ हो। अब जो ये 4 ईयर का बीएड है वो क्या है साथियों, 12th के डायरेक्ट बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, वही आपका 4 ईयर बीएड है। जैसे आपका बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, तो वो इंटीग्रेटेड बीएड है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है और बीएड भी कंप्लीट हो गई है। तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से 41 यूनिवर्सिटियों को परमिशन दी गई है कि वो इंटीग्रेटेड कोर्स चला सकती है, इंटीग्रेटेड बीएड चला सकती है। तो अब ऐसे में जिन्होंने अपना 2 ईयर का बीएड कंप्लीट कर लिया है या बीएड कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो साथियों, आपको बताते हैं 2030 के बाद में ये कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन हो कि वो 4 ईयर की बीएड आपकी होनी चाहिए। तो साथियों, इसमें आप परेशान ना हो, जो आपका 4 ईयर का बीएड है और आपने जो अपना ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर का बीएड किया है वो दोनों इक्विवेलेंट ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिन्होंने 2 ईयर का बीएड किया होगा उनको अलग हटा दिया जाएगा, उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका 4 ईयर का बीएड आपका लागू किया जाएगा, लेकिन वो इसलिए कहा गया है कि जो अभी 4 ईयर का बीएड है उसकी इतनी जो क्रेज है वो नहीं है, उस पर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, उसको इतना बच्चा नहीं कर रहा है, तो उस कोर्स को एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने 2 ईयर का बीएड किया है या कर रहे हैं। तो 4 ईयर का बीएड और 2 ईयर का बीएड बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्योंकि 4 ईयर के बीएड में क्या होता है, आप 12th की बात करते हैं उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी इंक्लूड है और आपका बीएड भी इंक्लूड है, और जो आपने 2 ईयर का बीएड किया है वो या तो ग्रेजुएशन के बाद में किया है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया है, तो वो दोनों ही कोर्स आपके इक्विवेलेंट है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट को ये चेंज करना पड़ेगा, तो ये अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए चीज की गई है। तो साथियों, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, यदि आप मेरी बात से सेटिस्फाई हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।